हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रीति और आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मेयोनी सैंडविच। वेरी टेस्टी, वेरी हेल्दी, इजी एंड क्विक रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेयोनी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे हम प्याज। ये मैंने एक प्याज चॉप करके रखी थी। उसके बाद डालेंगे हम शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च, उसको बारीक काट लिया था मैंने। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर, एक टमाटर। उसके बाद ऐड करेंगे हम कुकुम्बर, खीरा। आप अपने मनपसंद के वेजिटेबल कोई भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं इसमें, और जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे 1 स्पून ग्रीन चिली सॉस। आप चाहे तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, हम थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट वेज मेयोनीज, 2 टेबलस्पून। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। चलिए अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। हमने ली है ब्रेड स्लाइस। ब्रेड स्लाइस मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहें तो कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे बटर। अब इसी तरह हम दूसरी स्लाइस में भी लगा लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मेयोनीज। अच्छे से फैला के लगा लेंगे। अब इसमें हम दूसरी स्लाइस रख देंगे और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब ऊपर से हल्का सा बटर लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों बना के रख लिए हैं। अब इसको हम टोस्ट मेकर में डालेंगे। ये नॉनस्टिक टोस्टर है तो इसमें ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लगा सकते हैं। पहली स्लाइस को हम इस तरह से रखेंगे और दूसरे को भी साथ में रख लेंगे और इसको बंद कर देंगे। और ध्यान रहे ये जो इसका लॉक, जो इसका लॉक है, जो हम लॉक बंद कर देते हैं, इसको बंद नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और स्विच ऑन कर देंगे। ये रेड बटन जल गया है, जब ग्रीन पे आ जाएगा तब समझो हो गया है, तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ग्रीन लाइट जल चुकी है। अब इसको देख लेते हैं। वाह, बहुत परफेक्ट टोस्ट बना है। आइए इसको निकाल लेते हैं। दूसरा भी निकाल लेंगे। अब इसको हम बीच से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम दूसरा स्लाइस भी काटेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी मेयोनी सैंडविच बनके रेडी है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। तो इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को आप बनाइए और चाय के साथ
सॉस के साथ खाइए और इसको इंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।